answer your question, let me just point out to you that both of them have just entered different. They walked down and I was on the way, on their way, and I asked both of them to respond to these results. Namaskar, dosto. Take the responsibility. While Rahul Gandhi looked and. Hello, hello. Can we have a little silence, please? Namaskar, dosto. मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रांगण में और विशेष पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपनी बात अब आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राहुल जी, मैंने कैंपेन में कहा था कि जनता मालिक है और जनता ने आज क्लियरली अपना डिसीजन दिया है। उसको भैया थोड़ा माइक को दे दीजिए। तो मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट्स जो लड़े, पूरा दम लगा के दिल से लड़े, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। दो अलग अलग सोच हैं, एक नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सोच है, दूसरी कांग्रेस पार्टी की सोच है। दो अलग विजन्स हैं, मगर हमें यह मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके कोई सवाल हो? वी विल हैव ए मीटिंग ऑफ द वर्किंग कमेटी एंड दे विल डिसाइड दैट देयर। कैन यू कांट कंटिन्यू टू डू दिस, दैट यू कैन लीव बिटवीन मी एंड द वर्किंग कमेटी इफ पॉसिबल। Mr. Phukan from the Hindu, can you sir let him ask? There is somebody who is already asking. Frankly, today, with all due respect, today is the day of the mandate, and I don't want to color the decision of the people of India by getting into a long conversation with you about what I think went wrong. Frankly, today, it doesn't matter what I think went wrong. What matters is that the people of India have decided that Narendra Modi is going to be the Prime Minister. And as an Indian person, I fully respect that. Arun Singh. देखिए, आज ही चुनाव खत्म हुआ है, आज ही रिजल्ट आया है, तो मैं इस पे आज टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, और मैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं होना आपको, और हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बिलीव करते हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं, घबराओ मत। लास्ट क्वेश्चन भैया। आदेश, % जिम्मेदारी लेना। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं, ये लोकतंत्र है, और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें, जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। और मैं अब अंत में कहना चाहता हूं, देखिए,
बहुत लंबा कैंपेन था और उसमें मैंने एक लाइन रखी थी। मेरी लाइन थी कि मेरे ऊपर जो भी गलत शब्द प्रयोग किए जाएं, मेरे को जो भी गाली लगाई जाए, जो भी किया जाए, मैं प्यार से रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं वो कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ वापस प्यार से बोलूंगा। ये मेरी फिलॉसफी है। ये देखिए, आज मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, बहुत बाद में बहुत समय है। आज मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। अब सबसे पहले आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप इस देश के प्रेस हो, आपने चुनाव में काम किया, आपने अपनी पोजीशन रखी, इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया मुझे निकलना है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मैं देखिए, आई कैन आंसर। सी टुडे इज, प्यार कभी नहीं हारता है, प्यार हारता नहीं है। आई वॉन्ट टू से दैट टुडे इज नॉट द डे फॉर मी टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस मैंडेट। टुडे इज द डे दैट ए न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एंड टुडे इज द डे टू विश हिम ऑल द बेस्ट एंड टू होपफुली ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।